पूरे गांव मेरे अपने घर के पड़ोस में कहते हैं परसों खत्म होंगे। मेरे घर के आसपास तकरीबन 10 लोग कोरोना पॉजिटिव अभी की डेट में। झूठा आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। खबर इंदौर मध्य प्रदेश से। सावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डाबली में मध्य प्रदेश शासन और इंदौर के जिला प्रशासन का झूठ उजागर होकर सामने आ गया है। आज जब कांग्रेस नेताओं का दल इस गांव के दौरे पर पहुंचा, तो ये सच्चाई सामने आई कि इस गांव में कोरोना से 25 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और अभी भी कम से कम 40 लोग प्रभावित हैं। गत 9 मई को मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा ये प्रचारित किया गया था कि सावर तहसील का ग्राम डाबली कोरोना मुक्त है। उस दिन सिलावट के द्वारा इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के साथ इस गांव का दौरा किया गया था। फिर ये जानकारी सार्वजनिक की गई थी कि गांव के लोगों ने गांव के बाहर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि बाहर का कोई आदमी गांव में नहीं आएगा, इससे कोरोना भी नहीं आएगा। इस घटनाक्रम को इंदौर के प्रशासन के द्वारा गाँव की आदर्श कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी ट्वीट कर इस गांव को आदर्श गांव के रूप में और कोरोना से मुक्त गांव के रूप में प्रदेश के सामने रखा था। आज जब कांग्रेस नेताओं ने इस दावे की पड़ताल की, तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकरीवाल, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव इस गाँव के दौरे पर पहुंचे, तो इन कांग्रेस नेताओं को गाँव के नागरिकों ने गाँव की हालत विस्तार से बताई। सावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मांगलिया के समीप के इस गांव और आसपास के क्षेत्र में अब तक कोरोना से 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब 100 के आसपास कोरोना मरीज आज भी हैं। ये गांव प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा का है। गाँव वासियों ने बताया कि पिछले दिनों जो रास्ता बंद करने की बात कही गई थी, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नौटंकी थी। भाजपा के जिला महामंत्री प्रेम सिंह और उनका परिवार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। इस गांव का पंच भी कोरोना का शिकार हो चुका है। इस गांव में जाने के बाद कांग्रेस नेताओं को जो हकीकत सामने दिखी, उसे देखकर नेता भी हैरान रह गए। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, इन सभी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और अब ये लोग झूठ का स्टोर खोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने ग्रामवासियों के साथ चर्चा के बाद कहा कि ये गांव कोरोना से पीड़ित हो रहा है, नागरिकों के उपचार के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। चर्चा के दौरान गांव के नागरिकों ने खुद कहा कि जब किसी व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण के संकेत नजर आते हैं और हम लोग एम्बुलेंस 108 को बुलाते हैं, तो एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि पहले इंदौर में अस्पताल में बात करके बेड की व्यवस्था कर लो, फिर हम लेने आ जाएंगे। जब अखबारों में छपा कि गांव में बैरिकेड लगाकर गांव के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है, तो वह खबर अखबार में पढ़कर इस गांव के नागरिक भी चौंक गए थे। विधायक विशाल पटेल ने कहा कि गांव में हालात बद से बदतर हैं, गांव के नागरिक इलाज की बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। गांव की हालत को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह इंदौर के प्रभारी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का गाँव है। सार्वजनिक जीवन में यदि काम करना है, राजनीति में काम करना है, तो शुचिता का पालन करना आवश्यक होता है। अब पहले भी तुलसी सिलावट पे आरोप लगते रहे हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी, आज इंदौर के प्रभारी मंत्री तब भी उनके परिवार पे आरोप लग रहे हैं। इन चीजों से बचने की कोशिश राजनेताओं ने करना चाहिए, क्योंकि जनता हमें आदर्श के रूप में देखती है और वो आदर्श जब खंडित होता है, लोगों के सपने टूटते हैं, तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई कायदे से तो इनको हटा देना चाहिए, अभी इंदौर के प्रभारी मंत्री से जांच प्रभावित होगी कालाबाजारी की, जब भी कालाबाजारी भाई कालाबाजारी की जांच प्रभावित होगी, और किसी बड़े आदमी को लाके प्रभारी मंत्री बना दो, कम से कम लोगों में एक विश्वास तो होगा कि भाई इनके परिवार पे भी आ चाहिए, तो इनको हटा के किसी अन्य को प्रभारी मंत्री बनाए। कांग्रेस का इस्तीफे की मांग, इस्तीफा ये क्या है, पद लुलुप लोग हैं, सत्ता के भूखे दलाल लोग, ये क्या पद छोड़ेंगे और इनसे उम्मीद क्या करें, इनसे उम्मीद करना बेकार है। जनता ध्यान रखे कि कोरोना के काल में लाखों लोगों की जान ये झूठे आश्वासन देने वाले भाजपा की नेताओं की वजह से हुई है, आने वाले समय में
आपके पास एक हथियार है जनता के पास, इससे बदला लेके ऐसे मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज तक इन पे हत्या के मुकदमे चलाना चाहिए। लाखों लोग मर चुके हैं, कहीं जुम्बिश नहीं, कभी नरेंद्र मोदी का एक बयान नहीं आ रहा है, इतने लाखों लोग मर गए। तो ये मेरा कहना है कि इन पे वो यहाँ प्रभारी मंत्री भी लगाओ ना, हत्या का प्रकरण तारीख देते हैं ना।